एक सवाल है, पुराने सोने की कीमत और है, पुराने सोने की कीमत और है। पुराना सोना कैसे होता है? सोना कोई पुराना थोड़ी होता है, जेवर बना हुआ है, 50 साल पहले का जेवर बना हुआ है, तो यूं वो पुराना सोना उसे कह रहा है, बाकी सोना कहीं पुराना नया नहीं होता। पुराने सोने की कीमत और है, और अगर हम नया सोना खरीदते हैं तो उसकी कीमत ज्यादा है। उसकी वजह क्या होती है कि जो नया सोना होता है वो 18 कैरेट का होता है, और ये जो जेवर है वो उसका कैरेट जो है 24 कैरेट का, 28 कैरेट का ऐसा होता है। जैसे एसी चलाते हैं तो 17 नंबर पर तेज एसी चलती है, फिर जो जो आगे बढ़ता जाएगा एसी हल्की होती जाएगी, 28-30 पर जाकर तो बड़ा नाम एसी रह जाएगी। इसी तरह से इसके कैरेट जो है 18 कैरेट, ये तो आधा दर्जे का सोना है। फिर उसके बाद जो जो कैरेट बनेंगे आगे बढ़ेंगे, वो कैरेट क्यों आगे बढ़ेंगे? सोने का जब जेवर बनाते हैं तो उसमें दूसरी धात मिलानी पड़ती है, उसको खोट कहते हैं, खोट मिलाना पड़ता है। वो खोट नहीं है, वो दूसरी धात है, क्योंकि सोना इतना नरम होता है कि वो तो ये दबाने से सिकुड़ जाएगा, तो दूसरी धात तांबा पीतल उसमें मिलाते हैं तो अब वो जेवर कड़क हो जाता है, तो वो दूसरी धात मिलने की वजह से उसका कैरेट कम हो जाता है। 18 के बजाय 25 कैरेट का सोना हो गया, 28 कैरेट का सोना हो गया, तो अब कीमत कम हो गई, और 18 कैरेट का सोना ज्यादा है। तो सोना पुराना नया होने से नहीं होता है। आज तुम जेवर बना के लाओ, अब जेवर बनने के बाद उसको सोने का कैरेट तो 28 हो गया, और नया सोना खरीदो तो 18 कैरेट का है, तो दोनों की कीमतें मुख्तलिफ है। बहरहाल पुराने सोने की कीमत और है, और अगर हम नया सोना खरीदते हैं तो उसकी कीमत ज्यादा है। लिहाजा अगर हम जकात अदा करें तो पुराने सोने की कीमत के एतबार से निकालेंगे या नए सोने की कीमत के एतबार से निकालेंगे? ये खामखा का सवाल है। आप जो नया सोना खरीद के लाए हैं उसकी जकात निकालनी है तो 18 कैरेट का है, उसके एतबार से कीमत के एतबार से निकालो। और अगर आपकी बीवी के पास जेवर है, ये आपके आपके मिल्कियत में जेवर है, और वो जेवर 28 कैरेट का है, तो 28 कैरेट सोने का जो कीमत है उसके एतबार से जकात निकालो। अब ये फजूल खामा का मसला पूछ रहा है। आपके पास कौन सा सोना है जो नया है, अभी खरीद के लाया हूँ, उसमें अभी कोई दूसरी धात नहीं मिली, कितने कैरेट का है? 18 कैरेट का है, तो 18 कैरेट की जो कीमत है उसके एतबार से जकात निकाल। मेरे पास एक जेवर है, भाई जेवर, इस जेवर में लामहाला खोट मिला है, कितने कैरेट है जाके सोनार से पूछो। वो सोनार, देखो तुम्हारे पास में अगर बिल है, जब जेवर बनाया था तो मैंने 1 तोला जेवर बनाया था, अब वो जेवर बनने के बाद में 1.5 तोले का जेवर हो गया, तो अब वो 1.5 तोला सोने के नहीं, 1 तोला ही है वो, तो उसमें सोना 1 तोला है। लेकिन अगर ये पता नहीं है, बिल नहीं है, पता नहीं है, तो जाकर सोनार से पूछो कि भाई इसमें कितने कैरेट का है, तो कहे 28 कैरेट का है, 28 कैरेट के सोने की क्या कीमत है, कि ये कीमत है, उसके जवाब ज़कात निकालो। बाकी जो ज़कात के मसले, ये जो आयत पाक हैं उसमें वमिम्मा रज़क़ना हूँ युन्फिकून मज़मून आ रहा है, उसमें मैं निसाब ज़कात का बयान करूंगा, बड़ा निसाब भी बयान करूंगा, छोटा निसाब भी बयान करूंगा, बहुत तफसील। पाकिस्तान के जुमा के खुतबे में शहादतन का जवाब देना जरूरी है। जुमा का खुतबा, जब इमाम आकर मिंबर पर बैठ जाता है और उसके सामने जब अजान होती है, उस अजान में जब मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो ये अजान का जवाब, तो शहादतैन ही का जवाब नहीं है, सारी अजान का जवाब जो इमाम के खुतबे में खतीब के सामने जो अजान हो रही है उस सारी अजान का जवाब दिल में तो दो, जुबान से नहीं देना, न सिरन न जहरन, क्योंकि दूसरी हदीस शरीफ है कि इज़ा खरजल इमाम फला सलात वला कलाम, जब इमाम खुतबा देने के लिए आ गया तो अब कोई बात भी, बातचीत भी नहीं और नमाज भी नहीं। लिहाजा जुबान से जवाब देना सिरन या जहरन नहीं, दिल दिल में तसव्वुर में जवाब तो दो,
इसलिए ये जो सवाल है कि क्या जुमा के खुतबे में शहादतन का जवाब देना जरूरी है, जरूरी नहीं है, बल्कि जुबान से जवाब देना जायज ही नहीं है, न सिरन न जहरन, अलबत्ता दिल से जवाब देना चाहिए अफजल है। मैं जब खुतबा होता है तो दिल से शहादतन का जब मुअज्जिन अजान देता है तो उसकी शहादतन के जवाब में तस्वूर में जहन में दिल में देता हूँ, जुबान से नहीं देता। पाकिस्तान के एक आलिम मुफ्ती जरब अली फरमाते हैं कि ईशा की 15 रकात है। 15 रकात कैसे? 4 सुन्नत गैर मौकदा, फिर 4 फर्ज 8, फिर 2 सुन्नत मौकदा, 2 गैर मौकदा, तो कितनी हुई? 12, फिर 3 वितर तो 15। बस वो कहते हैं कि ईशा की 15 रकाते हैं। लोगों में बच्चों को जो हम तालीमुल इस्लाम में पढ़ाते हैं वो ये पढ़ाते हैं कि ईशा की 17 रकाते हैं, यानी वितरों के बाद भी 2 सुन्नत गैर मौकदा हैं, तो 15 ये और ये वितरों के बाद की 2 सुन्नत हैं। मौलाना जरब अली साहब उनकी ये मुनफरिद राय है, वो ये कहते हैं कि वितरों के बाद कोई नफले नहीं है। क्यों? नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इजअलू आखिरा सलातकुम बिललैलिल वितर, रात में अपने नमाज का आखिरी नमाज वितर को बनाओ। तो वो कहते हैं कि बस वितर पढ़ लिया, अब उसके बाद में कोई नफले नमाज नहीं है। ये मौलाना की इनफिरादी राय है और उम्मत ने इस राय को कबूल नहीं किया। वो शद्दो मत से राय बयान करते हैं और मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि उन्होंने कोई रिसाला भी इस पर लिखा है, मैंने देखा नहीं है, मगर ये राय उम्मत ने कबूल नहीं की है। क्यों? ये जो हदीस है इज अलू, ये अम्र है, इज अलू ये अम्र इस्तेहबाब के लिए है। इज अलू आखिरा सलातकुम बिललैलिल वितर, रात में अपनी आखिरी नमाज वितर को बनाओ, ये इस्तेहबाबी हुक्म है। चुनांचे हदीस में है कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु वितर ईशा के बाद पढ़ लेते थे और फिर तहज्जुद भी पढ़ते थे, तो रात में ईशा वितरों के बाद तहज्जुद पढ़ा। इसी तरह से हजरत अबू हुरैरा और हजरत अबू जर गिफारी, इन दो साहबा को हुजूर ने ये वसीयत, 3 बातों की वसीयत की थी। एक वसीयत ये की थी कि तुम वितर पढ़ के सोइयो, तो वो वितर पढ़ के सोते थे, फिर रात में उठ करके तहज्जुद भी पढ़ते थे। अलावा अजी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर ने कभी कभी वितरों के बाद 2 नफले बैठ कर पढ़ी है। लिहाजा मुफ्ती साहब का जो ये नजरिया है ये अहादीस की रोशनी में सही नहीं है और इसी वजह से उम्मत ने उनकी बात को कबूल। उसके बाद फिर सवाल है कि विलादत के करीब हामेला औरत के मखसूस रास्ते से जो रुतूबत निकलती रहती है वो नाकिज़े वुजू होगा या नहीं? वो नाकिज़े वुजू है, सबीलेन से जो भी निकलेगी वो नाकिज़े वुजू है। अगर होगी तो फिर औरत किस तरह नमाज कुरान वगैरह की पाबंदी कर पाएगी? अरे ये तो विलादत के करीब निकलती है, विलादत के करीब यानि 15-20 मिनट पहले ये रुतूबत निकलती है, उससे पहले नहीं निकलती। उससे पहले अगर बच्चादानी खुलेगी और निकले तो सारा पानी निकल जाएगा, फिर ऑपरेशन करके बच्चा लेना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल वलादत के करीब में 15-10 मिनट पहले ये मेरा बच्चादानी खुलती है और ये रुतूबत निकलती है, लिहाजा ये सवाल ही वो पाबंदी कुरान कैसे पढ़ेगी और नमाज कैसे पढ़ेगी बेकार बात है। दूसरी बात सुनो, अगर मान लो कि इस तरह का कोई वाकया पेश आया लंबा जमाने से, तो फिर वो ऐसे ऐसा शख्स माजूर बन जाता है और माजूर के अहकाम हैं और माजूर का जो जिस उज्र से वो माजूर बना है उस उज्र से उसकी तहारत नहीं टूटती। बस कोई अगर ये तो औरत नहीं, मसलन एक औरत है मुस्तहाजा है और मुस्तहाजा होने की वजह से माजूर बन गई है, तो वो इस्तहाजा के खून निकलने से उसका उज्र नहीं टूटता। बस अव्वलन तो ये तो जो सूरत फर्ज की ये तो गलत है, ये तो विलादत के करीब 5-10-15 मिनट पहले रुतूबत निकलती है। लेकिन कोई दूसरी सूरत हो तो फिर ऐसा शख्स और मर्द और माजूर बनता है और माजूर की तहारत जिस उज्र से वो माजूर बना है उस उज्र से तहारत नहीं। उसके बाद सवाल है क्या झींगा खाना जायज है?
ये लोग पूछते हैं, तो मैं उससे पूछता हूँ, तुझे खाना है इसलिए पूछ रहा है या नहीं खाना है इसलिए पूछ रहा है? खाना है तो खाता रहे, नहीं खाना है तो हराम है। हमारे यहाँ तलबा ये मसला पूछते हैं कि जिनका खाना जायज है या नहीं, तो मैं पूछता हूँ उससे साहिल से कि तुझे खाना है इसलिए पूछ रहा है या नहीं खाना इसलिए पूछ रहा है? अगर वो कहता है कि मुझे खाना है तो खाता रहे, पूछने की क्या जरूरत है? कि नहीं मुझे नहीं खाना, नहीं खाना तो हराम है, मत खा। ये तो मैं यूं तो तरखाता हूं। देखो एक ऐसा ही एक सवाल तलबा दूसरा करते हैं, नौजवान तलबा सवाल करते हैं कि ये फिदाई हमला अपने ऊपर, अपने बदन पर बम बंद करके दुश्मनों के दरमियान में जाकर के फिदाई हमला करना और खुद बम फूटना और खुद भी मरना और दूसरों को मरना, ये फिदाई हमला करना जायज है या नहीं? जब मुझसे कोई पूछने आता है तो मैं कहता हूँ तेरा कुछ करने का इरादा है इसलिए पूछ रहा है या नहीं करने का इरादा है इसलिए पूछ रहा है? मैं से कहता हूँ कि देखो जिनको जिनको करना है वो कर गुजरते हैं, वो मसले पूछने नहीं आते। ये तो जिनको नहीं करना वही मसले बगाड़ते हैं। ऐसा ही एक मसला है, रमजान में लोग पूछते हैं कि हाफिज साहब जो कुरान सुनाते हैं उनको कुछ देना जायज है या नहीं? तो मैं उससे कहता हूँ तुझे कुछ देना है इसलिए पूछ रहा है या नहीं देना इसलिए पूछ रहा है? जो जो देने वाले हैं वो तो दाएं हाथ में चुपके से इमाम के हाथ में पकड़ा देते हैं, फरिश्तों को भी पता नहीं चलता। ये जिनको नहीं देना वही मसले बघारते रहते हैं कि इमाम को देना जायज है या नहीं। उसके बाद समझो जो साहिली मुफ्ती है, जैसे मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी कुद्दसासिरहु रामदेर में रहते थे, रामदेर से 10 किलोमीटर पर समंदर लगता है, जो साहिली मुफ्ती हैं वो जायज कहते हैं, सिंह जिंगा जायज कहते हैं। या जहाँ तालाब है जैसे बांग्लादेश में तालाब है उसमें खूब झिंगे होते हैं तो वहां के मुफ्ती जायज कहते हैं, और जो साहिल से दूर है जैसे पालनपुर के मुफ्ती, जैसे यूपी के मुफ्ती हजरत गंगोही हजरत थानवी, वो हराम कहते हैं, वो जो साहिल से दूर है वो हराम कहते हैं। तो साहिली मुफ्ती जायज कहते हैं, मगर इनमें इस्तिस्ना है हजरत मुफ्ती खानपुरी, हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकात हूँ, वो ढाबेल में रहते हैं, वो साहिली हैं, मगर वो कहते नहीं जिंगा हराम है। और जो साहिल से दूर रहते हैं हजरत दानोतवी हजरत थानवी पालनपुर के हजरत मौलाना मोहम्मद नजीर साहब, ये जो दूर है साहिल से वो कहते हराम है, वो कीड़ा है, वो मछली नहीं है। और जो साहिल पर रहते हैं वो कहते हैं कि नहीं मछली है। और क्या दलील? दमीरी ने लिखा है कि मछली है। अरे दमीरी तो शाफी है, शवाफी के यहाँ तो समंदर के हर चीज। उसके बाद सवाल है मर्द इमाम के लिए अगर औरत पीछे नमाज पढ़े, एक जमात हो रही उसमें इमाम मर्द है और जमात में पीछे औरतें भी हैं, तो इमाम के लिए नियत करना जरूरी है? इमाम के लिए इमामत की नियत करना जरूरी है। अगर इमाम इमामत की नियत नहीं करेगा तो इमामत के अहकाम लाजिम नहीं होंगे और उसको इमामत का सवाब भी नहीं मिलेगा। देखो मैं मिसाल दूं, एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, ईशा की नमाज पढ़ रहा है, मुझे कराइन से मालूम है कि ये नमाज पढ़ रहा है ईशा की, और वो तन्हा पढ़ रहा। ये मेरे साथ में ये किस्सा पेश आया था, मैं एक कारी साहब जो रुड़की के थे, हम दोनों सऊदीया से आ रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, मैं इमिग्रेशन में से पहले निकल आया, कारी साहब पीछे थे, तो मैंने सोचा कि कारी साहब आए तो हम दोनों साथ जाएंगे, तो उनके आते आते मैं ईशा पढ़ लूं, तो मैंने मुसल्ला ईशा करके ईशा शुरू की। सभी में पहली रकात में था, मैं मुनफरिद पढ़ रहा हूँ, अकेला पढ़ रहा हूँ, कारी साहब आए, उन्होंने आकर मुसल्ला ईशा करके कहा मैं इक्तिदा करता हूँ, तो मैंने नियत कर ली इमाम होने की। तो जहां तक मैं सिर्रन पढ़ता पढ़ता पहुंचा था वहां से मैंने जहर शुरू कर दिया और मैं इमाम बनकर पढ़ा, उन्होंने मुक्त यही। इस तरह से अगर मैं पूरी नमाज में अगर नियत इमामत के न करूं तो इमामत के अहकाम, रात की नमाजों में जहरी क़िरात वाजिब है, तकबीर कहना जोर से कहना सुन्नत है, ये अहकाम लाजिम नहीं होंगे। इमामत की नियत न करूं और करूं तो फिर ये अहकाम लाजिम होंगे।
बहरहाल अगर मुफरिद कोई आदमी फर्ज पढ़ रहा है और उसके पीछे दूसरा आदमी वही फर्ज नमाज पढ़े, तो अगर इमाम इमामत की नीयत करेगा तो इमामत के अहकाम लाजिम होंगे, नहीं करेगा तो वो तन्हा नमाज पढ़ लेगा और मुक्तदी की इख्तिदा में नमाज सही हो जाएगी और उसको इमामत का सवाब नहीं मिलेगा। तो इमाम के लिए इमामत की नीयत तो जरूरी है, वो इमामत की नीयत करेगा तो इमामत के अहकाम लाजिम होंगे वरना नहीं होंगे। लेकिन पीछे कौन मुख्तदी हैं, मर्दों की नीयत करना औरतों की नीयत करना ये जरूरी नहीं है। जो भी पीछे नमाज पढ़ रहा है उनको पढ़ा रहा हूं। और ये जो किताबों में लिखा है कि इमाम ने औरत की इमामत की नीयत की हो, ये जो मसला है ये मुहाजात के मसले में है। मुहाजात में अगर मर्द के साथ औरत आकर खड़ी हो जाए तो औरत की नमाज नहीं मर्द की नमाज फासिद हो जाएगी। ये मुहाजात का मसला, इसमें 8 शर्तें हैं। उन 8 शर्तों में ये है कि मर्द ने औरत की इमामत की नीयत की हो। सऊदिया में औरतों के नमाज हरम शरीफ में औरतों के नमाज पढ़ने की जगह अलग है और जब अजान होती है उससे भी पहले अगवात आते हैं औरतों को वहां से तवाफ में से हटा देते हैं। लेकिन जब भीड़ हो जाती है तो फिर औरतों को अलग करने की कोई सूरत नहीं, फिर औरतें भी मर्दों के बीच में नमाज पढ़ती हैं। अब मुहाजात का जो मसला है वो इमाम अबू हनीफा के यहाँ है और इमाम अहमद के यहाँ है, इमाम शाफी और इमाम मालिक के यहाँ नहीं है। हजरत इमाम शाफी और हजरत इमाम मालिक के मुहादत का मसला ही नहीं, अबू हनीफा और इमाम अहमद के यहाँ मुहादत का मसला है। तो अब वहाँ क्या होगा, ये तो सब वो तो सब इमाम अहमद के मानने वाले हैं। तो मैं जब पहली मरतबा 1981 में पहली मरतबा हज फर्ज करने गया था और जब ये सूरत सामने आई तो मैंने मस्जिद हराम में जो मौलाना साहब तकरीर करते थे मैंने उनसे मिला और मैंने से उनसे कहा कि भई ये कैसे नमाज का, तो उन्होंने कहा कि जब ये भीड़ का जमान आता है तो इमाम औरतों की नमाज की नीयत ही नहीं करता। तो वो मुहाजात में जो 8 शर्तें हैं उसमें ये कि मर्द इमाम ने औरतों की इमामत की नीयत की हो तो मर्द की नमाज फासिद होगी। अब भीड़ के जमाने में वो नीयत ही नहीं करता, ये उन्होंने हीला कर रखा। बहरहाल आपके समझने की बात ये है कि जो किताबों में लिखा है जिसको लोग मुतलक समझते हैं ये मुतलक नहीं है, ये तो सिर्फ मुहाजात के मसले के लिए है। वरना तो इमाम के इमाम होने की नीयत, पीछे कौन है कोई भी हो, मर्द हो औरत हो कोई भी हो, सबकी नमाज हो जाएगी। मखसूस तौर पर मैं औरतों के इमाम होने की नीयत करता हूँ या फातिमा के इमाम होने की नीयत करता हूँ ऐसा जरूरी नहीं है। मर्द इमाम के लिए अगर औरत पीछे नमाज पढ़े तो इमाम के लिए नियत करना जरूरी है। अभी तालाबंदी के जमाने में मामूल भी ही हो गया है कि औरतें भी मर्द इमाम के पीछे नमाज पढ़ती हैं, तो हर वक्त नियत करना जरूरी है, नहीं है जरूरी बस मैं इमाम बनकर नमाज पढ़ाता हूँ, पीछे जो भी हो मर्द हो बच्चे हो औरतें हो सब हो जो भी हो इनकी सबके अलग अलग नियत करनी जरूरी नहीं है। और वो जो किताबों में लिखा है जिससे गलत फहमी है वो तो मुहादात के मसले में है। उसके बाद सवाल है अवाम का बैत होना कैसा है, जायज है अवाम का बैत होना कैसा है, अगर मुनासिब नहीं है क्यों मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है जायज है मुनासिब का बवा है। अवाम के लिए बैत होना कैसा है, अगर मुनासिब नहीं है तो अवाम अपनी इस्लाह के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करें, यही बैत का तरीका वो भी अपनी इस्लाह के लिए करेंगे। और मैंने बताया था कि हमारे 4 अकाबिर हैं, उनमें से हजरत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह के अहवाल तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हजरत नानोतवी कुद्दसा सिर्रहू से 10 बंदे बल्कि 10 से भी शायद 11-12 बंदे अवाम हजरत नानोतवी से बैत हैं, मगर हजरत नानोतवी ने किसी को इजाजत खलीफा नहीं बनाया। तो ये 10 बंदे बैत थे। एक किस्सा है, हजरत का एक खादिम था, वो हजरत से कहता हजरत मुझे बैत कर लो, हजरत मुझे बैत कर लो, हजरत बैत नहीं करते थे। एक मरतबा उसने कहा तो हजरत ने फरमाया गंगो जाकर मौली रशीद से बैत हो जा।
यानी खुद नहीं की, ये कहा गंगो जाकर मौली रशीद से बैत हो जा। वो भी बड़ा समझदार था, फौरन उठा और गंगो गया और जाके बैत हुआ और वापस आया और कहा हजरत मैंने आपके हुक्म की तामील कर ली, मैं गंगो जाकर के मौलाना रशीद साहब से बैत हुआ, मगर मुझे बैत तो आपसे ही होना है। तो फिर हजरत ने उसको बैत किया। बहरहाल अवाम को भी बैत, और फिर हजरत गंगो ही कुद्दसा सिर्रहू के यहाँ भी अवाम आते थे और बैत होते थे। हजरत मस्जिद में सबक पढ़ाते थे हदीस शरीफ का। एक बंदा आया, एक आम मुसलमान, हजरत से बैत हुआ, हजरत ने उसे जिक्र बताया और ये जिक्र जहरी बताया और ये कहा कि ये मस्जिद के कोने में बैठकर जिक्र कर। तो ये कोने में वो जिक्र कर रहा, हजरत नाम सबक पढ़ा रहे, सबक पढ़ाते पढ़ाते हजरत रुके और उसका जिक्र सुनने लगे और जिक्र सुन करके फरमाया कि ये बंदा एक जरब में 100 साल की मुसाफत तय कर रहा है। अवाम था, आम आदमी था, कोई मौलाना साहब नहीं थे, आम बंदा था। वो एक ला इलाहा इल्लल्लाह 100 साल की मुसाफत तय कर रहा था। हजरत थानवी कुद्दसा सिर्रहू के यहाँ भी अवाम भी बैत होते थे, बहुत से अवाम, ये थोड़े बहुत नहीं, बल्कि हजरत ने तो उन अवाम को मुजाजे सोहबत भी बनाया है कि तुम्हारे पास लोग आकर बैठे तो बैठे हैं, बैत करने की इजाजत नहीं दी। लेकिन ये जो कौन से अवाम, इन अवाम को पहले देखना है कि ये बैत होने जो आया है तो ये रमजान में इज्तिमाई एहतिकात में खाना खाने आया है या कुछ करने आया है। पहले साल भर अपने पास रखो और रगड़ो और जब तुम्हें यकीन हो जाए कि नहीं ये बंदा कुछ करना चाहता है तो फिर खवास को भी बैत करेंगे। और जो बरेलवियों के जो तरीका है कि जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट है कि फला से बैत है, इस सर्टिफिकेट के तौर पर कुछ नहीं होता। देखो मेरे भाइयों सुनो, आखिरत में नजात के लिए बैत जरूरी नहीं है, आखिरत में नजात के लिए बैत जरूरी नहीं है। अगर बैत जरूरी होती तो सारे सहाबा हुजूर से बैत होते और सारी सहाबियात हुजूर से बैत होती, हालांकि सारे सहाबा हुजूर से बैत नहीं थे, बैत सुलूक नहीं थे और सारी सहाबियात नहीं थी, मखसूस सहाबा और मखसूस सहाबियात बैत थी। अगर नजात के लिए जरूरी होता सभी बैत होते, सब बैत नहीं थे। अच्छा, फिर जो मर्द बैत थे और जो खवातिन बैत थी तो वो कोई बड़े नहीं थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत उस्मान, इनकी बैत का कोई तस्करा नहीं आता। हजरत उबादा, हजरत फला, इन साहबा का, आम साहबा के बैत का जिक्र आता है। लिहाजा जो आम मुसलमान हैं वो भी अगर कुछ करना चाहते हैं, अपनी सफाई चाहते हैं, अपने बातिन को साफ करना चाहते हैं, देखो हमारा जाहिर खूबसूरत भी होता है, बदसूरत भी होता है, मेला भी होता है, ऐसा हमारा इनसाइड अंदर बातिन वो अखलाक हसना भी होते हैं, अखलाक सैया भी होते हैं। तो जाहिर को हर आदमी दिखता है कि धब्बा है तो जाकर धोता है, लेकिन अंदर जो धब्बे हैं वो नजर नहीं आते हैं। वो अगर धब्बे हैं तो वो पीर महसूस करता है कि ये धब्बा है और वो उसकी तरकीब बताता है। तो अगर कोई अपने अंदर का तजकिया करना चाहता है, अपने बातिन की सफाई करना चाहता है, तो फिर वो बैत करके अपनी इसलाह करे। लेकिन आखिरत में जन्नत में जाने के लिए बैत जरूरी नहीं है, बैत है जन्नत में 100 दर्जे हैं, ये बुलंद दर्जे हासिल करने के लिए बैत है। तो बैत करो और कुछ नवाफिल आमाल करो, जन्नत के बुलंद दर्जे हासिल करो। बस अगर कोई आम मुसलमान बैत होकर के कुछ नवाफिल आमाल करना चाहे और जन्नत के बुलंद दर्जात हासिल करे तो उन अवाम के लिए भी यही बैत है। किसने मना किया कि उनके लिए बैत नहीं है? लेकिन ये जो तरीका है बरेलवियों के यहाँ कि पीर साहब गांव में आ गए तो गांव की सारी भैंसें बैत हो गई, कल दूसरे दिन फैज साहब चले गए तो फिर सब भूल गए कि कौन आया कौन गया, बस जन्नत का सर्टिफिकेट टिकट ले लिया। इस ये जो अवामी बैत है ये बरेलवियत है, इसको मैं मना करता हूँ। बाकी अब बैत तो खवास के लिए भी, अवाम के लिए भी है। और हजरत थानवी ने फरमाया कि बैत की सबसे ज्यादा जरूरत खवास को है,
अगर ये उलमा संवर गए तो अवाम तो खुद बखुद संवर जाएंगे, और बहुत से अवाम भी अल्लाह के खास बंदे होते हैं, वो भी आमाल नाफिले अमल करके तरक्की करना चाहते हैं तो वो भी बेहतर होंगे। हजरत गंगोही कुद्दसा सिर्रुहु का ये किस्सा जहन में आया, वक्त खत्म हो रहा है मगर वो किस्सा मैं सुना दूं। भोपाल की बादशाह थी नवाब सुल्तान जहां बेगम, वो हजरत गंगोही से बैत होना चाहती थी। अब जाहिर है कि वो एक आम औरत है, कोई कोई मौलाना साहब नहीं है, एक आम औरत है, अवाम में बता का अवाम के लिए भी बैत है, कर वो बैत भी करेंगी जब कुछ करना हो तो वो बैत होना चाहती थी और खत लिखती थी तो हजरत जवाब ही नहीं देते थे। आखिर में उसने खत लिखा और एक हजरत मौलाना मोहियुद्दीन मुरादाबादी थे जो वहां काजी थे और वो हजरत गंगोही के मुस्तरशिद थे, यानी आज की इस्तेमाल में खलीफा थे, आज जिसको खलीफा कहते हैं, पहले खलीफा नहीं कहते थे, मुस्तरशिद कहते थे, तो मुस्तरशिद थे यानी खलीफा थे, और अपना जो मीर मुंशी था उस मीर मुंशी से खत लिखवाया और मौलाना मोहियुद्दीन साहब को सिफारिश के लिए गंगो भेजा। तो अब जब ये आए दोनों तो हजरत गंगोही ये समझे कि मुखलिस औरत है, कुछ करना चाहती है। पहले तो समझे कि ऐसे ही बैत कर, जैसे बरेलियों में बैत होती है, ऐसी बैत चाहती होगी, लेकिन जब ये आए खलीफा तो मालूम हुआ कि नहीं, ये कोई औरत है जो कुछ करना चाहती है। तो हजरत कुद्दसा सिर्रुहु ने उसको खत लिखा और ये हजरत की जिंदगी का आखिरी खत है और ये छपा हुआ है, तज़किरतुर रशीद में भी छपा हुआ है और कांदले से एक रिसाला निकलता है अहवाल व आसार, उसमें इसका पूरा फोटो छपा हुआ है। हजरत गंगोही ने लिखा शुरू में उस खत को, खत सुना रहा मैं, हजरत गंगोही ने लिखा कि बैत दो मकसद से होती है, एक बैत होती है अल्लाह से ताल्लुक कायम करने के लिए, इस मकसद के लिए जो बैत होती है उसमें अरसे दराज तक शेख की सोहबत में रहना पड़ता है। अरसे दराज लफ्ज लिखा है कि एक लंबे अरसे तक शेख की सोहबत में रहना पड़ता है तब अल्लाह से ताल्लुक कायम होता है। फिर फरमाया कि मैं वहां नहीं आ सकता हूं, यानी भोपाल में आऊं मैं नहीं आ सकता हूं, और बेगम साहिबा का यहां आना मुनासिब नहीं। दूसरी बैत होती है सिलसिले की बरकत हासिल करने के लिए, हजरत ने लिखा कि इस बैत को बंदा कुछ मुफीद नहीं समझता, इस बैत को बंदा कुछ मुफीद नहीं समझता, फिर इसके लिए नवाब सुल्तान साहब नवाब जहां बेगम का जो अकीदत है वो अकीदत काफी है, उसके लिए बैत की क्या जरूरत है, सिलसिले की बरकत हासिल करने के लिए अकीदत काफी है। फिर उसके बाद हजरत ने लिखा कि इसके बाद भी अगर इनका इसरार है कि वो बैत होना चाहती हैं तो मैं दो शर्तों के साथ उनकी बैत कबूल करता हूँ। ये लिखा कि दो शर्तों के साथ बैत करता, एक पहली शर्त ये लिखी हजरत ने कि उनका नवाब सुल्तान जहां बेगम का मुरूवत व एहसान का कोई बर्ताव जो मेरे साथ अब तक हुआ उसके अलावा कोई दूसरा बर्ताव न हो, यानी वो कोई हदी हदाया न भेजे, वो तो बादशाह है तो हदी हदाया भेजेंगे, तो हदी हदाया न भेजे, कोई हदिया न भेजे, मेरे मुरूवत व एहसान का मेरे साथ कोई मामला न करें, और दूसरा ये कि इस कब किसी को इस इच्छा न हो, पता न चले लोगों को, क्योंकि अगर इसका पता चलेगा तो लोग मेरे पास सिफारिश लिखवाने आएंगे उस हुकूमत में नौकरी के लिए, अब किसी के लिए सिफारिश मुनासिब होगी किसी के लिए नहीं होगी, तो इसका इफ्शा ही न हो, किसी को पता ही नहीं चले, इन दो शर्तों के साथ मैं बैत कबूल करता हूँ। फरमाया कि इन दो शर्तों के साथ मैं उनकी बैत कबूल करता हूँ, वो बिदआत से इज्तिनाब के साथ अदलो इंसाफ के साथ हुकूमत करती रहे, बिदआत से इज्तिनाब के साथ बचती हुई अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत करती रहे, इन दो शर्तों के साथ मैं उनकी बैत कबूल करता हूँ। जब ये खत वापस गया तो बहुत खुश हुई, फिर उसने शुक्रिया का खत लिखा,
पता नहीं कितने दिन के बाद, मुझे नहीं मालूम, दारा शुक्रिया का खत लिखा और वो खत भी इन्हीं दो के साथ भेजा, मीर मुंशी का, उनका नाम मुझे याद नहीं है, मीर मुंशी के साथ और मौलाना मोहिउद्दीन के साथ। ये दोनों बुजुर्ग जिस दिन गंगो पहुंचे हैं उस दिन गंगो ही का इंतकाल हो चुका था। ये दोनों जनाजे में शरीक हुए, हजरत को शुक्रिया का खत जिंदगी में नहीं पहुंच सका। तो मैं ये मिसाल से कह रहा था कि अवाम के लिए भी बैत, वो यही बैत का रास्ता है अपनी तरबियत का, लेकिन कुछ करना हो तो महज ढोंग करना और जन्नत के टिकट के तौर पर बैत होना, इसको मैं कह रहा हूं कि ये बरेलवियत है, ये देवबंदियत नहीं है। बस यही तक बात है, फिर आगे दूसरे सवाल आ गया है।